जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे उनका ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। ये कब हुआ? मोदी जी के दौरे के तुरंत बाद। जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ने कुछ पाने के लिए और उल्टा देश का नुकसान करके आ गए। विदेशों में जाके अपना गुणगान करके वापिस आना, देश के लिए कोई रोजगार की बात नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी का गुणगान कर रहे हैं। आज जो अभी हाल ही में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी विजिट हुई और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो पूरे वर्ल्ड में जो बताई जा रही है, हम मानते हैं, बड़े स्वाभिमान की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो लोकप्रियता बढ़े और हिंदुस्तान का नाम चमके पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके रिजल्ट्स भी आने चाहिए। सिर्फ अपना गुणगान करके विदेशों में जाके अपना गुणगान करके वापिस आना, देश के लिए कोई रोजगार की बात नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई किसी तरीके का आयात नहीं, इस तरीके का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया ने जो उल्टा उनके जो हमारा नुकसान किया है हिंदुस्तान के नौजवान साथियों का, वो इस तरीके से कि जो हमारा इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया नौजवानों की पहली पसंद रहा है और बहुत तादाद में पूरे हरियाणा से पूरे हिंदुस्तान से जो बेरोज़गार लोग रोज़गार की तलाश में और अच्छी जो है एजुकेशन की उसमें जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे उनका ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। ये कब हुआ? मोदी जी के दौरे के तुरंत बाद। तुरंत बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा तोहफा दिया, मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जाना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर ने कुछ पाने के लिए और उल्टा देश का नुकसान करके आ गए। अब ऐसा क्यों किया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने? वो इसलिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो अपना गुणगान हर जगह चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोग उनकी बहकाई में आ जाते हैं कुछ, परंतु बाहर के विदेश के लोग जो हैं वो ऐसी लोकप्रियता को पसंद नहीं करते या ऐसे गुणगान को पसंद नहीं करते जिस तरीके की जो है मोदी जी चाहते हैं। अब उनको जो मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया में रैली करी, बेशक अपने ही आदमियों को जो है अपने संगठनों को तैयार करवा के वहाँ पे एक रैली करी और वहाँ पे जो है गुणगान करवाया, उससे ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहाँ के लोग मूल निवासी जो है नाराज हुए, उनको ये बात पसंद नहीं आई। बेशक वहाँ पे उनको मोदी इज बॉस बोल दिया गया होगा, बट वो किसी तरह का इंटरफ्रेंस वो नहीं चाहते अपनी राजनीति में। अब इनको जो है, अब हमारे देश में अगर कोई चाइना से लोग पाकिस्तान से आए, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई पॉलिटिकल लीडर, और अपने देश का गुणगान कराए अपने लोगों से, क्या हमारे हिंदुस्तान के लोग उसको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उनके जो वहाँ के स्थायी निवासी थे उनको इस बात से चिढ़ हुई कि भाई ये हमारे जो है हमारे देश में जो है कमा रहे हैं, हमारे देश में पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे जो है ना अपना गुणगान कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, मोदी का गुणगान कर रहे हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के ब्यूरोक्रेट, वो वहाँ उनकी जो है बेइज्जती कर रहे हैं और अपना गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई, वो लोग रोज़गार के लिए वहाँ गए, भाई आप अपना काम करें, आप उस बात से हटके राजनीति में ना आए इनकी बातों में। तो इस तरीके से भाई इनका बच्चों का नुकसान किया, स्टूडेंट्स का, और हमारे कैथल कुरुक्षेत्र और हरियाणा से तो बहुत तादाद में लोग जो है वहाँ जा रहे थे और अब जो है उनका भविष्य अदर में लटक गया। लोगों ने जो है अपनी ज़मीन तक जो है बेच के, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के, पेरेंट्स ने जो है वहाँ पे अपना रोज़गार तलाश रहे थे किसी तरीके से। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 5 राज्यों के जो स्टूडेंट्स का उन्होंने बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ ने। तो इस तरीके से जो है हिंदुस्तान में जो एक ये जो नुकसान किया है मोदी जी ने जिस रैली करके वहाँ पे, तो ये कि जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का उन्होंने नुकसान किया है। और दूसरी बात जो है ये संसद का मुद्दा, अब ये भी एक जो है अपने आप में जो मैं नहीं मानता कि ये भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि अभी जो है कुछ एक चैनल ने जो है अंजना ओम कश्यप ने एक सर्वे करवाया था, उसमें
उनके ही सर्वे में 66% लोगों ने ये कहा कि ये गलत किया जा रहा है, राष्ट्रपति का अपमान है, संवैधानिक पद का अपमान है, आपको राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए था। तो इसलिए जो है, एक तो मोदी जी जो है ना सुखी जो है अपनी जो अपना वो गुणगान चाहते हैं कि ये गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और हमारे देश की जो है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने गलत किया, हम क्योंकि जो फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने या यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ की, क्योंकि कोई भी छात्र अगर वहाँ रहता है तो पढ़ाई के दौरान अगर स्टडी भी करता है तो उसमें कोई फरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनती हैं और मेहनत करके जो है वो कमा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का फैसला जो है उनको वापस लेना चाहिए, और यहाँ के स्टूडेंट्स का जो है वहाँ पे इमिग्रेशन इसी तरीके से सुचारू रूप से दोबारा फिर जो है जारी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तानाशाही रवैया जो है ना हमेशा से, उनको सिर्फ अपने गुणगान से मतलब है, अपना गुणगान उनको होना चाहिए, देश का कितना ही नुकसान हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं है। और जो गोदी मीडिया है एक तरह से, वो पहले दिखा रहा था मोदी जी की यात्राओं में ये हो गया, उसने पैर छुए फलाने देश के, फलाने ने उसके ऑटोग्राफ, अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ चाहते हैं। अरे भाई जो है पहले भी होता रहा है, उनके कल्चर में है ये चीज़ें, आप जो है इस तरीके की जो आडंबर छोड़ दें और देश के हित में जो है फैसले लें। जो पहलवानों का मुद्दा है, हरियाणा के लोग जो है, सभी संस्थाएं जो है उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, इनके सांसद हैं, जो जिस तरीके से ये इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटियों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं सीरियस केसेस में, उनको भी गिरफ्तार नहीं कर रही हैं। तो लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर होना पड़ा, और वहाँ पर संसद में जो है वहाँ जाके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम सब उनका समर्थन करते हैं।